नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोयले के कारोबार में वर्चस्व को लेकर। एक बार फिर धनबाद में गोलीबारी हुई है। निचितपुर कोयलियरी में विधायक ढुल्लू महतो और रघुकुल के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग भी की गई है। दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर बम भी फेंके जाने की जानकारी सामने आई है। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। धनबाद में कोयले के कारोबार में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर दो गुटों के बीच हिंसक भिड़ंत, गोलीबारी हुई दोनों गुटों के बीच। और अधिक जानकारी के लिए सीधे धनबाद का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले जानना चाहेंगे गोलीबारी की इस घटना की वजह और क्या स्थिति है। देखिए, गोलीबारी की जो घटना है उसके बारे में जो दीपक बताया जा रहा है कि मामला वही नियोजन है, लेकिन इसके पीछे अगर कहें तो कोयला क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर यह लड़ाई है और यह लड़ाई पहले से चली आ रही है। आज भी जो है वहाँ धरना का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि जो जनता मजदूर संघ का जो बच्चा गुट है वहाँ पे वो धरना का कार्यक्रम आयोजित किए हुए था और उसका विरोध जो है दूसरे गुट कर रहे थे। और वहाँ चूंकि वो इलाका जो है बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है तो वहाँ उनके समर्थकों का भी वर्चस्व है। और जो लोकल आउटसोर्सिंग कंपनी है, बताया जा रहा है कि डेको कंपनी का वहाँ आउटसोर्सिंग चलती है, तो वो भी लोकल स्तर पर किसी एक पक्ष को साथ लेते हैं या दूसरे पक्ष को अगर विरोध करते हैं तो वो भी जो है कहीं ना कहीं मामला सामने आ जाता है और उसके कारण भी जो है तनाव बढ़ जाते हैं। हाल के समय में आप देखेंगे तो लगातार किसी न किसी आउटसोर्सिंग क्षेत्रों में बवाल किसी न किसी मामले को लेकर हुआ है, चाहे वो नियोजन के मामले में रहे हों या किसी अन्य वजह से बताई जा रही हो। मामला प्रायः जो है उसमें मजदूरों को होता यह है कि अपने अपने दबदबा अपने अपने क्षेत्रों में दबदबा कायम करने के लिए अपने समर्थकों को उस आउटसोर्सिंग में लोग चाहते हैं कि उनका नियोजन हो जाए और उन मजदूरों के जरिए उनका उस क्षेत्र में कोलियरी क्षेत्रों में वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इसका दोनों फायदा मिलता है, एक तो राजनीतिक तौर पर भी वर्चस्व कायम होने से पोलिटिकल फायदा भी मिलता है और साथ साथ आर्थिक फायदा भी है। यहाँ पे आर्थिक हित ज्यादा है दीपक, और इसीलिए कोयला क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर यह आए दिन हो रही है। जो अभी घटना घटी है ये इलाका जो है बीसीसीएल का निचितपुर इलाका है और देखिए यहाँ पे झड़प जो हुई है वो दोनों समर्थकों के बीच में हुई है। बताया जा रहा है कि रघुकुल समर्थक और बागबार विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है और उसमें कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर जो डीएसपी है बागबारा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल वो भी पहुंच गए हैं और वह कई थानों की अगल बगल की पुलिस भी पहुंची हुई है। तो स्थिति वहां पे काफी ज्यादा तनाव को देखते हुए सीएसएफ बल को भी बुला लिया गया है। मौके से सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार का आलम है कि वहां झोले में बम भी बरामद किया है, वहां पे मौके से बम बरामद हुए हैं और कई राउंड गोली चलने की भी बात है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे अभी भी अगर कहें कि तनाव है और इसको लेकर पुलिस बल काफी मुस्तैद है। हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और कोई बड़ी वारदात वहां पे नहीं हुई है। अगर कहें कि घटना में सिर्फ मामूली तौर पर लोग जख्मी हुए, आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं लेकिन बहुत गंभीर स्थिति नहीं है, किसी को गोली नहीं लगी है, किसी को बम नहीं लगा है। लेकिन हाँ, वहां पे गोली और बम चलने की पूरी खबर है क्योंकि बम वहां मिले भी है, जिंदा बम बरामदगी की भी आता आ रही है। तो पुलिस वहां पे पहुंच गई है और फिलहाल स्थिति जो है कोयला क्षेत्रों में वर्चस्व को लेकर जब तक पुलिस एक तरह से न्यूट्रल होकर कार्रवाई नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब तक वो सभी जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई नहीं करेगी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लगा रहा। आगे भी इस तरह के मामले देखने को मिलेंगे, इसलिए दीपक इस मामले में पुलिस की निष्पक्षता बहुत जरूरी है। कोयले के कारोबार में अगर आप दागदार नहीं है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, तो पुलिस से क्या उम्मीद की जाए और राजनेताओं से क्या उम्मीद की जाए। मजदूर तो आपस में भिड़ ही रहे हैं। ऐसे में अभिषेक एक और सवाल है, गोलीबारी होती है, बमबारी होती है, तो क्या ये सब मजदूर आमतौर पर यूं ही लेकर खुलेआम घूमते रहते हैं या फिर ये तैयारी दर्शा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ भिड़ंत के लिए उस जगह पर कुछ लोग पहुंचे थे जो किसी गुट के समर्थक हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये सामान्य मजदूर नहीं होते, ये किसी न किसी मजदूर यूनियन के से जुड़े हुए हैं
और इसमें मजदूरों का हित जो है वो तो रहता है, लेकिन मजदूरों से ज्यादा हित जो है उन नेताओं का है जो उन मजदूरों के पीछे खड़े हैं, या उन राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक दलों का है जो उसके पीछे खड़े हैं। तो धनबाद में यही एक कहानी है कि एक आध नेताओं को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सभी जो भी लोग हैं उनका किसी न किसी मजदूर यूनियन से संबंध रहता है और किसी न किसी आउटसोर्सिंग क्षेत्रों में उनका वर्चस्व है। आप पिछले बार भी आप घटना याद होगा, अभी हाल में सतीश की हत्या हुई थी, आपको हाल में याद है 19 तारीख को दिन दहाड़े हत्या हुई थी, वो आउटसोर्सिंग जो जुड़े हुए थे, और अभी भी पुलिस जो है उनके जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी तलाश नहीं कर पाई है। तो ये मामला लगातार हो रहा है। इसके पहले आपको याद होगा कि जेबीएम के नेता रंजीत की हत्या हुई थी, ठीक है, एक साल 2018 में उनकी हत्या हुई थी। तो इस तरह के सिलसिला लगातार धनबाद में बहुत खून बहे हैं। ये अगर पूरे सिलसिला देखेंगे तो पिछले 40 वर्ष की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, ना हथियार बरामद होते हैं, ना गोला बारूद लेकर घूमने वाले लोग पकड़े जाते हैं, सिर्फ कुछ मजदूर इसका शिकार होते हैं। देखिए, पुलिस के हाथ बंधे नहीं है, पुलिस जो है अब भी हमारा ताकतवर है और इकबाल उसका अब भी कायम हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो है कार्रवाई को लेकर जो है न्यूट्रल होने की जरूरत है। पहले भी देखिए, होता क्या है कि सत्ता का जो प्रभाव है वो स्थानीय नेताओं का, पहले भी आपने याद होगा कि पिछली सरकार में भी जिसकी सत्ता थी उसका वर्चस्व उस क्षेत्र में कायम था। सत्ता बदलने के साथ जब नए लोग का जब परिवर्तन, जब चीजें होती है, तो जो वर्तमान लोग होते हैं वो उस क्षेत्र में काबिज होना चाहते हैं और यही संघर्ष का कारण है। और कोयला क्षेत्र में सरदारी के लिए, रंगदारी के लिए ये लड़ाई चलती रहती है खत्म करने के लिए, ताकि न सिर्फ काम जो प्रभावित होता रहता है आए दिन के इस गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से, वो काम प्रभावित ना हो, मजदूरों को नुकसान ना हो, उनका रोजगार प्रभावित ना हो, और जो पुलिस की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनका भी जवाब सामने आ पाए। धन्यवाद अभिषेक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।